किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट। जो भी है अभी मैं अभी कोई कमेंट नहीं है इसके बारे में, मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करूँगा प्लीज। देखिए अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है, वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कोई कमेंट नहीं। अभी बीते दिनों भारतीय कुश्ती संघ का चुनाव हुआ था जिसमें नव नियुक्त अध्यक्ष के रूप में संजय सिंह नियुक्त हुए थे, लेकिन जो खबर मिल रही है खेल मंत्रालय ने जो पूरे संघ को है रद्द कर दिया है और ऐसे में रांची पहुंचे हैं संजय सिंह, उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे वो इस पूरे मामले को लेकर जो है कैसे देख रहे हैं, उनका क्या कुछ सोचना है इसको लेकर, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्हें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और ऐसे में जो है खेल मंत्रालय ने उनकी कह सकते हैं पूरे खेल जो नई कमेटी बनी थी उस कमेटी को भंग कर दिया है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, वो क्या कुछ कहना चाहते हैं, उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सर पहला रिएक्शन जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का ऑर्डर आया है सस्पेंशन। देखिए अभी मैं फ्लाइट में था, अभी मुझे बहुत डिटेल पता नहीं और उसका लेटर मुझे नहीं मिला है, वो लेटर लेने के बाद मैं उसको देख लेता हूँ फिर बताता हूँ मैं उस पर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी कोई कमेंट नहीं। अभी मिनिस्ट्री को अधिकार है वो कर... अभी कोई कमेंट नहीं। पहले मुझे देख लेने, केवल एक सुनने में जो आया कि एक्टिविटी पे मेरे रोक लगाया है। अच्छा। तो क्या एक्टिविटी पे रोक लगाया क्या नहीं है तो उसको मैं अभी देख लेता हूँ उसके बाद करता हूँ। अभी कोई कमेंट नहीं। बॉडी को ही सस्पेंड कर दिया। केवल एक्टिविटी पे जो सुनने में आया कि एक्टिविटी पे रोक लगाया गया है। जल्दबाजी में कुछ जो भी है अभी मैं अभी कोई कमेंट नहीं है इसके बारे में, मैं लेटर अपना देख लेता हूँ क्या क्या है क्या नहीं, उसके बाद मैं कमेंट करूँगा प्लीज 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 प्लीज। अभी नो कमेंट। किसी साक्षी मलिक किसी पे कोई कमेंट। साक्षी आगे सर निकालो यार थार जल्दी से। मुझे बहुत कोई जानकारी नहीं है, अभी लेटर देख ले उसके बाद ना बताएं कि आगे का रुख क्या होगा। वायर पूरा फंसा देख ले तो उसके बाद भी बताओ हमें देख लेने दीजिए ना क्या नियम, हमारा कोई भी नियम के बाद आपके पास जानकारी नहीं आई अभी। अभी नहीं, अभी फ्लाइट से मैं उतर के बाहर आ ही रहा हूँ। तो अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी जा रहे हैं इन लोगों के घर जा रहे हैं। किनके घर जा रहे हैं? वो ये संजय सिंह जो कह रहे हैं एक बताइए ना, वो जो बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक लगातार कोई छोड़ो यार साक्षी मलिक बजरंग पुनिया आपने कहा था कि राजनीति से प्रेरित है, आपने बयान दिया था बना लीजिए।
तो आपने सुना संजय सिंह को उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो कह रहे थे कि उन्हें जानकारी मिली है उनके पास, लेकिन अभी तक लेटर नहीं आया है कि क्या कुछ हुआ है और उन्हें जो जानकारी मिली है कुछ जो उनके फैसले लिए गए हैं उसको कहीं ना कहीं जो है उसको लेकर विरोध जताया गया है और अभी जो है उन्हें पूरी जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि हमने बात करने की कोशिश की और पूरे मामले को लेकर जो है उनकी प्रतिक्रिया भी जानने की कोशिश की और रांची पहुंचे हैं वो। और उससे पहले बता दूं तो जब वो वहां से रवाना हुए थे और रांची पहुंचने के लिए तो यहां पर तमाम गाजे बाजे के साथ जो है उनका स्वागत होना था और देखिए किस तरह से यहां पर पूरा माहौल जो था बना हुआ था कि वो जब पहुंचेंगे तो यहां पर भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। लेकिन कुछ देर के बाद जब जानकारी मिलती है कि खेल मंत्रालय ने उनके पूरे संघ को ही जो है भंग कर दिया है, ऐसे में वो रांची पहुंचे थे, हमने उनसे जानकारी लेने की कोशिश की कि क्या कुछ वजह रही होगी, तो उन्होंने बताया कि अभी तक जो है उन्हें पूरी डिटेल्स नहीं दी गई, एक लेटर आता है वो लेटर भी उनके पास नहीं आई है, ऐसे में वो कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो हमने जो है उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की, अब आगे देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है। लेकिन जो ये फैसला आया है खेल मंत्रालय की ओर से उसमें ये कहा गया है कि नवनिर्वाचित जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने कई नियम विरुद्ध फैसले लिए हैं और इसी को लेकर जो है खेल मंत्रालय ने पूरे संघ को जो है भंग कर दिया है। न्यूज बाइस्कोप ले कैमरा पर्सन राजबल्लम के साथ नीरज कुमार रांची। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।